इशू का मतलब होता है मसला, विचार विषय, मुद्दा, विवाद इत्यादि। वॉट इज द इशू, वॉट इज द इशू का मतलब होता है मामला क्या है। वॉट इज द इशू। कमिट, कमिट का मतलब होता है वादा करना, सौंपना, प्रतिज्ञा करना इत्यादि। विमेन कमिट फ्यूअर क्राइम्स देन मेन, विमेन कमिट फ्यूअर क्राइम्स देन मेन का मतलब होता है पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम अपराध करती हैं। कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता या दिलचस्पी लेना आदि। थैंक यू फॉर योर कंसर्न, थैंक यू फॉर योर कंसर्न का मतलब होता है चिंता के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है इरादा रखना या अभिप्राय रखना। डू यू इंटेंड टू कंटिन्यू योर स्टडीज, डू यू इंटेंड टू कंटिन्यू योर स्टडीज का मतलब होता है क्या आप अपनी पढ़ाई जारी रखने का इरादा रखते हैं। अटर, अटर का मतलब होता है बोलना, उच्चारण करना आदि। ही कुड नॉट अटर अ वर्ड, ही कुड नॉट अटर अ वर्ड का मतलब होता है वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त, हासिल करना या पाना। इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन द पेशेंट्स कंसेंट बिफोर अ सर्जरी, सर्जरी से पहले रोगी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। स्केर्स, स्केर्स का मतलब होता है दुर्लभ, कठिनता से अल्प। द फूड वॉज स्केर्स ड्यूरिंग द वॉर, द फूड वॉज स्केर्स ड्यूरिंग द वॉर का मतलब होता है युद्ध के दौरान भोजन दुर्लभ था। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है बयाना, ईमानदार, जोशीला या तत्पर। डिस्पाइट हिज अर्नेस्ट एफर्ट्स ही कुड नॉट फाइंड द जॉब, डिस्पाइट हिज अर्नेस्ट एफर्ट्स ही कुड नॉट फाइंड द जॉब का मतलब है लाख कोशिशों के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनीत या विनयशील या विनम्र। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू का मतलब होता है यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब होता है घूमना, इधर उधर फिरना, विचलित होना। डोंट वॉन्डर फ्रॉम द सब्जेक्ट, डोंट वॉन्डर फ्रॉम द सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय से मत भटको। नाइट, नाइट का मतलब होता है शूरवीर, अंग्रेजी सर की उपाधि या योद्धा। द नाइट किल्ड एवरीवन हु केम विद इन द स्वीप ऑफ हिज सोर्ड का मतलब होता है शूरवीर ने अपनी तलवार के झांसे में आने वाले सभी लोगों को मार डाला। कन्विंस, कन्विंस का मतलब होता है मनवाना या विश्वास दिलाना। ही ट्राइड टू कन्विंस मी, ही ट्राइड टू कन्विंस मी का मतलब होता है उसने मुझे मनाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू कन्विंस मी। ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, समय बिताना या रहना। लेट्स नॉट ड्वेल ऑन योर पास्ट मिस्टेक्स, लेट्स नॉट ड्वेल ऑन योर पास्ट मिस्टेक्स का मतलब होता है हमें अपनी पिछली गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नॉवल, नॉवल का मतलब होता है उपन्यास या कहानी। हर लेटेस्ट नॉवल इज ईगरली अवेटेड, हर लेटेस्ट नॉवल इज ईगरली अवेटेड का मतलब होता है उनके नवीनतम उपन्यास का बेसब्री से इंतज़ार है। फर्निश, फर्निश का मतलब होता है प्रस्तुत, प्रदान करना या सजाना। ही फर्निश्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ही फर्निश्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज
पेश किए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।